जो कर रहे हो करते रहो, अगर वो ठीक होगा तो करते रह जाओगे, ठीक नहीं होगा तो फिर दीवार फान जाओगे। आजकल तो करियर और पैसा बना रहे हो ना, बनाओ, क्या पता उसी में तुम्हारा निर्वाण हो। ना मिले शांति तो फिर फांदना दीवार, फिर देखेंगे। तो बाबा बन जाओ, निर्वाण और पैसा दोनों मिलेंगे। वो भी तो पूरी इंडस्ट्री है। आईपीओ ले आओ। स्पिरिचुअलिटी इनकॉर्पोरेटेड। भूखा तो बेटा कोई अध्यात्म में नहीं मरता है, ना अध्यात्म में सिखाता है कि भूखा मरना है। तुम लाखों करोड़ों अरबों कमाना चाहते हो तो बात अलग है, पर ना ऐसा तो नहीं है कि जो लोग सामाजिक आध्यात्मिक काम में लगे हैं उनके घरों में चूल्हे नहीं जलते। तो ये दो रास्ते इतने भी अलग अलग नहीं हैं कि तुम कहो कि या तो पैसा होगा जीवन में या फिर अध्यात्म होगा। कोई नियम है क्या कि आध्यात्मिक लोग भूखे ही मरेंगे? दुनिया में ढंग का तमीज़ का काम करके क्या रोटी पानी नहीं चल सकता? अब भिक्षुओं का ज़माना तो रहा नहीं कि संस्था के जितने वॉलंटियर हैं वो सुबह सुबह कटोरा लेके निकलते हो भिक्षाम दे ही। क्यों भाई गंगेश, ऐसा होता है क्या? कि वहां बोधस्थल से सुबह सुबह सबको भिक्षा पात्र लेकर रवाना किया जाता हो कि जाओ भाई तुम आइकन अपार्टमेंट की तरफ जाओ, तुम अल्फा की तरफ जाओ, तुम बीटा जाओ। वो अपने अपने कटोरे में जिसको जो मिले खा लेना।
रोटी कपड़ा पानी रहने को छत, ये तो संस्था में भी हो ही जाती है, पहले भी हो ही रही थी। हाँ, तुम्हें ज़रा ज़्यादा चाहिए था, तुम्हारे अरमान बड़े थे। किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से की जा सकती है, अरमानों की पूर्ति कैसे करें? साधारण सा कुर्ता पहन रखा है, दुबले पतले आदमी हो, खाते भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तुम्हारी आवश्यकताएं हैं कितनी? आवश्यकताएं किसी की बहुत बड़ी नहीं होती, अरमान होते हैं दैत्याकार। सुरसा का मुख सुना है? वो खुलता ही जाता था, खुलता ही जाता था। अरमान ऐसे होते हैं, उनका क्या करें? भूखा तो हमारा कोहम नहीं सोता। योद्धा अपने लिए भोजन मांगे, कवच मांगे, तीर तलवार मांगे, गोला बारूद मांगे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। वो महंगे से महंगा हथियार मांगे, उसे दिया जाएगा। पर योद्धा कहे कि मेरे लिए लाखों की मखमल लेके आओ और रेशम लेकर आओ, तो उसे कुछ नहीं दिया जाएगा। हाँ, कहे मुझे लाखों वाली बंदूक चाहिए, क्योंकि वो रहेगी तो मैं बेहतर लड़ पाऊंगा, तो प्रबंध करा जाएगा, बिल्कुल करा जाएगा। पर भोग विलास के लिए मांगोगे तो भाई ये धर्म का काम है, यहाँ भोग विलास के लिए तो जगह थोड़ी कम ही है।